देखिए, चार धाम यात्रा जो विश्व प्रसिद्ध यात्रा हमारे यहाँ मानी जाती है, देश से नहीं विश्व से हमारे तमाम श्रद्धालु इस यात्रा में भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री जी के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। और वहीं नहीं, पूरे उत्तराखंड के जो और भी हमारे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके भी दर्शन करते हैं। हरिद्वार ऋषि के साथ जानते हैं, गंगा स्नान करते हैं। तमाम यात्रा जब होती है तो एक आर्थिक आधार भी हमारे लिए है, उसके लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। यात्रा सुचारू संपन्न हो, अच्छे ढंग से शुरू हो, अच्छे ढंग से संपन्न हो। निश्चित रूप से चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों बार इस बैठकों के माध्यम से सचेत किया कि यात्रा में कोई विघ्न बाधा न हो, और हमारे माननीय पर्यटन मंत्री, हमारे संस्कृति मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी ने भी बैठकें ली हैं। आज मैं स्वयं एक बैठक देहरादून में ले रहा हूँ, जो हमारे निकाय इस यात्रा के दौरान पड़ते हैं उनके अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूँ। पानी से संबंधित, पेयजल और स्वास्थ्य से संबंधित, या उसमें स्वच्छता से संबंधित, यात्रियों के ठहराव से संबंधित जो भी विषय हैं, उसमें हमारे आने वाले समय पे जो संभावित हैं उन पे हम लोग बातचीत करेंगे। और ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ और माँ गंगे से प्रार्थना कर रहा हूँ, यहाँ जितने भी हमारे देवी देवताओं के चरणों में निवेदित कर रहा हूँ कि ये यात्रा ठीक से संपन्न हो। और आप सभी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आप भी निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करिए। सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, ठीक से यात्रा हो, क्योंकि दो साल हमने झेला है कि इस प्रकार से कोरोना में हमें नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाला समय ये हमारे लिए बहुत उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। बड़ी भीड़ के साथ यात्रा इस बार होने वाली है, ऐसी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, उसी तरह से व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं।